हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है आखेट यानी कि शिकार, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, कि कैसे मनुष्य ने खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक अपनी यात्रा तय की है और क्या हमारे पास इसके सोर्सेज है। तो ये चैप्टर शुरू होता है तुषार की रेल यात्रा से। ये अपने जो है रिश्तेदार की शादी में जा रहा होता है, तो दिल्ली से चेन्नई ये जा रहा होता है। तो रेल में क्या होता है, इसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में क्या है मगन हो गया था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान जो है बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तो एकदम जो इसके मामा इसके कंधे पर हाथ रखते और कहते हैं, पता है, ये मेन पॉइंट है, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल की यात्रा करनी शुरू की थी, और जो ट्रांसपोर्ट का साधन है यानी कि बस, तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो तुषार सोचने लगा कि जब इतनी तेज़ रफ्तार वाले जो है सवारियां नहीं थी, तो क्या जो पहले वाले लोग थे क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे, क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। तो एक क्वेश्चन जो है तुषार के माइंड में आ जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं थी, ठीक है, कि जो है पहले भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे जो मेन पॉइंट हैं जहाँ से आपको नोट्स बनाने होंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं बता दूंगी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी वे एक जगह पर क्यों नहीं रहते थे। देखो, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, ठीक है, यानी हम 20 लाख साल पहले जो मानव रहते थे उनके बारे में हम जानते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक होता है शिकारी, क्यों जानते हैं, क्योंकि जो क्या होता था, ये अपने जो है भोजन को अपने आसपास की जगह से इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, और शिकार पर ये निर्भर रहते थे, जंगली जानवरों का ये शिकार करते थे। तो इनके जो भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका नाम जो पड़ा वो आखेटक खाद्य संग्राहक पड़ा, ठीक है। पहले खेती करना तो ये नहीं जानते थे, ये क्या करते थे, जो जंगली जानवर थे उनका शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडा जो अंडा इकट्ठा किया करते थे, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए इनका नाम पड़ा आखेटक खाद्य संग्राहक। खेती करना इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। अब बात है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे, ऐसा करने के कई कारण थे। देखो, क्योंकि आपको पता है इनके पास जो है ये खुद जो है उत्पादन नहीं करते थे, है ना, प्रोडक्शन खुद नहीं करते थे, तो आसपास जो है इनके पास जंगल हुआ करते थे, वहाँ से पौधे फल जानवरों को खाकर जो है जीते थे, है ना, अपनी वे जिया करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, जब ये आसपास की चीज़ों को खाकर समाप्त कर देते थे, ठीक है, आसपास जो इनके पास वनस्पतियाँ होगी उनको क्या करेंगे, ये खा लेंगे तो वे समाप्त हो जाएंगे, तो इसलिए भोजन और भोजन की तलाश करने के लिए वे दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ता था। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे, ठीक है। तो जो जानवर थे ना, हिरण और मवेशी, देखो जानवर अपने शिकार करने के लिए, आसपास के जो जंगली जानवर थे वे भी तो शिकार करते थे ना, खाते थे पशुओं को, फिर हिरण और मवेशी जो है अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और उनके पीछे पीछे लोग जो है शिकार करने के लिए जाते होंगे, ये ऐसा माना जाता है। थर्ड जो हम देखें तो इसमें क्या होता था, पेड़ और पौधे में जो है फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथे कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जो जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी जो है झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। जब ये नदियों और झीलों का पानी जो है, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता। आप सभी को पता है कुछ ऐसी नदियां होती हैं जिनका जो है हमेशा उसमें पानी रहता है, और कुछ ऐसी झीलें नदियां होती हैं जिनमें क्या होता है,
पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी के तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो मेन बात है भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और शिकार के लिए, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। आगे चलते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राह किया करते थे, यानी अर्ली ह्यूमन किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए, ठीक है। तो इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, हमें आज भी ना पत्थरों के औजार मिले हैं। तो इसमें क्या है, आगे इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ जो है हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो हमें ये मिले हैं इन सभी। कुछ हजार औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी जो इन शॉर्ट अगर बात करें कि औजारों का जो है ये यूज़ करते थे अपने जो है जीविका जो है चलाने के लिए करते थे, क्योंकि ये जानवरों का शिकार भी उन्हीं से करते थे, है ना। धीरे धीरे ये लकड़ियाँ काटने के लिए करते थे और हथियारों जो इनके औजार थे ना उनमें क्या करते थे, हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे भी लगा कर जो भाले और बाण ये बनाया करते थे, ठीक है। तो कई तरह के जो है जो हथियारों का है या औजारों का जो ये इस्तेमाल है वो कई कामों में लिया करते थे। पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जो पत्थर के औजार थे ना वो क्या करते थे, अपने खाने के लिए जड़ों को खोदते थे और जानवरों की खालों से बने वस्त्रों को सिलते थे, ठीक है। ये आपको ये दिखाया गया है यहाँ, ये देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रहने की जगह निर्धारित करना। देखो इसके लिए आपको मानचित्र दो को देखना पड़ेगा। ये आपका है मानचित्र दो, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपका आता है। देखो जो इसमें लाल त्रिकोण वाला है ना स्थान, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हमें इनके औजार मिले हैं, देखो यानी ये जूम करके दिखा देती हूँ। देखो पूरा पाषाणी है, पाषाणिक पुरास्थल है, ठीक है, जहाँ से हमें आखेटक खाद्य संग्रह के जो है होने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, देखो भीमबेटका, आपको पता है शैलचित्र मिले यहाँ से, फिर यहाँ पे हुसगे, ठीक है, कुरनूल गुफा जहाँ से राख के भी अवशेष हमें मिले हैं। अब आगे देखो नवपाषाणीय पुरास्थल हमें कहाँ से मिले हैं, जो कि नवपाषाणीय हैं। तो ये है आपका पयमपल्ली, हल्लूर, कोल्डी हवा जहाँ से चावल के अवशेष मिले थे, महागढ़, बुरझोम और मेहरगढ़, यहाँ से हमें गर्तवास मिले हैं, यहाँ से हमें खेती के जो प्रमाण मिले हैं। दाऊजली जो है हेडिंग और आपका जो हो गया नवपाषाणीय स्थल होगा चिरोद, ठीक है। तो आपके ये नवपाषाणीय जो है स्थल थे, ठीक है। आगे देखते हैं महापाषाणिक पुरास्थल जो ग्रीन वाले है, ब्रह्मागिरी, आदिचनल्लूर और आपका यही है ना। आगे देखते हैं और भी बहुत सारे, तो मेन यहाँ पे दिए गए हैं। आरंभिक गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, इनाम गांव, आरंभिक गांव था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका इनाम गांव आता है। आरंभिक नगर जो है या गांव, गांव बोला जाता है, ठीक है, आरंभिक गांव, तो कहाँ मिला है, इनाम गांव। और आपके नवपाषाणकालीन स्थल भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है आधुनिक नगर की, जैसे आपका ये है आपका कलकत्ता है, कोलकाता है और मुंबई, ठीक है। तो ये वह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं, यहीं से आपका जो है
क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं, ये हो गया ना, क्योंकि पत्थर के जो है उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, यानी कि अच्छे पत्थरों की तलाश में भी ये इधर उधर जाया करते थे। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, देखो एक शैल चित्र है, ये है ना, शिकार कर रहा है जो एक आदि मानव। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर हमें चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जंगली जानवरों का। अब बात आती है जो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमें शैल चित्र मिले हैं और पूरा पाषाणकालीन ये स्थल है, भीमबेटका। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ही इंपॉर्टेंट है, एक तो भीमबेटका जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगर बात आई हमें शैल चित्र, पूरा पाषाणकालीन शैल चित्र कहाँ मिले हैं, तो भी आंसर आएगा भीमबेटका। अब देखो, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि क्या होता था, ये बारिश धूप हवाओं से इनको राहत मिलती थी और बचे रहते थे, ठीक है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, जैसे कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ना कि हमें नर्मदा घाटी से स्कूल मिली हैं, खोपड़ियाँ मिली हैं, यानी अर्ली ह्यूमन होने के हमें प्रमाण मिले हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? अब आते हैं पुरास्थल की बात, ठीक है। पुरास्थल जो होता है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के जो है रिमेन्स हमें मिले हैं, अवशेष हमें मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए या जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी ये पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो आप सभी को पता है सिक्स क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब बात आती है आग की खोज। देखो मानचित्र दो में आपने कुरनूल गुफा, देखो ये रही, बताई थी ना मैंने आपको, जो पूरा पाषाणकालीन स्थल था कुरनूल, ठीक है। तो यहाँ हमें राख के अवशेष मिले हैं। एक ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन आएगा किस गुफा से राख के अवशेष मिले हैं, तो कुरनूल गुफा से, या पूरा पाषाणकालीन ये स्थल भी हैं। इसका मतलब है कि जो आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल क्या करते थे, कई कार्यों में किया करते होंगे, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज ये पार्ट वन है, पार्ट सेकंड में जो है और आगे आपको करवा दूंगी मैं ये पूरा चैप्टर, ठीक है, क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका, ये करवा दूंगी नामूर्ति इतिहास से, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी सारी जो है 6 से 12 तक आपके एनसीईआरटी में करवाऊंगी, पहले मैं हिस्ट्री कवर करवाऊंगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।